सो गाइस अब हम जाने वाले हैं फुक्टो गोम्पा और ये है वो होम स्टे जिसमें हमने स्टे किया है। काफ़ी मौसम ख़राब है और टाइम भी हो गया है 3:30 बजे दोपहर के, तो मिलते हैं आपको सीधा ट्रैकिंग पे फुक्टो गोम्पा के। तो गाइस देख सकते हो फुक्टो गोम्पा वाले रास्ते के ऊपर कितना खतरनाक वाला पहाड़ है, क्या व्यू है, और नीचे बहती हुई शार्प रिवर बिल्कुल ब्लू कलर है उसका पानी का, और सामने देखिए बिल्कुल पहाड़ों के कलर बिल्कुल अलग ही तरह के हैं। ये भी सारा ऑफ रोड ही है, अभी 1.5 किलोमीटर तक ये रास्ता हमें ऐसा ही मिलेगा, उसके बाद जाकर पैदल ट्रैकिंग शुरू होगी फुक्टो गोम्पा के लिए। वो सामने एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा आप सामने, वही पॉइंट है जहाँ तक हमारी बाइक जाएगी, वहीं पे हम अपनी बाइक पार्क करेंगे और वहाँ से वे निकलेंगे अपने फुक्टो गोम्पा की ट्रैकिंग के ऊपर। लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ और आप ये व्यू देख सकते हो कितना प्यारा है, बीच में से शरप रिवर आती हुई और एक किनारे पे ये बना है रास्ता, और उस पॉइंट तक हम जाएंगे, वहाँ पे है पार्किंग प्लेस, और सामने देखिए क्या अमेजिंग व्यू, दोनों तरफ पहाड़, इधर भी पहाड़ और इस तरफ भी पहाड़, और उनके बीच में से शरप रिवर आती हुई, कितना प्यारा व्यू है। यहाँ पे देखो पहाड़ कितने हाइट के ऊपर, हम पहुँच चुके हैं उसी लोकेशन पे जहाँ से हमने अपना फुक्टो गोम्पा के लिए ट्रैक स्टार्ट करना है। ये है वो लोकेशन जहाँ पे आपको अपनी व्हीकल पार्क करना पड़ेगा, और हमने अपनी बाइक पार्क की है यहाँ पर, और यहाँ का व्यू देखिए कितना प्यारा है। ये देखिए यही है हमारा वो ट्रैक का रास्ता जिधर से ट्रैकिंग करते हुए हमने फुक्टो गोम्पा तक जाना है। तो हमारे जाने का ट्रैकिंग रास्ता कुछ इस तरह का है, काफ़ी मुश्किल ट्रैक होने वाला है आज का, 5 से 6 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट हमारा ये ट्रैक पड़ेगा, और वो रास्ते से चलते चलते आगे तक हमने जाना है। सारा का सारा ये पैदल ट्रैक है, बाइक्स और कार जाने का रास्ता सिर्फ वहीं तक है, उसके आगे आप अपनी बाइक वगैरह नहीं ला सकते। हालांकि इस रास्ते पे आप ला सकते हो अपनी बाइक, लेकिन फिर भी रिस्की है, क्यों लेके आना बिना मतलब के। ये रास्ता देख रहे हो कितना स्टीप है और कितना ख़तरनाक रास्ता है, इस रास्ते से हमें जाना है नीचे। बहुत ही स्टीप रास्ता है, वापसी में उतना ही मुश्किल होगा चढ़ना। रास्ता देख सकते हो कितना खतरनाक है, इसी रास्ते से हमने आगे जाना है, वो देखो बीच में से कैसे निकलना पड़ेगा। सामने से देखिए रिवर का फ्लो कितना प्यारा लग रहा है, कैसे आ रही है रिवर, ये देखो बिल्कुल ब्लू कलर का पानी है इसका। आज की ट्रैकिंग काफ़ी टफ होने वाली है, ये देखो दोनों पहाड़ों के बीच में से बनाया हुआ रास्ता, आराम आराम से चलते रहते हैं, टाइम से हम पहुंच ही जाएंगे। देखो बिल्कुल पगडंडी के साथ, पहाड़ों की बिल्कुल पगडंडी के साथ बनाया हुआ रास्ता है, इतना यहाँ पर व्यू प्यारा है उसके साथ रास्ता इतना खतरनाक है। देखो यहाँ से इतना छोटा सा रास्ता है और उसके सीधे ना आप नीचे जाओगे, छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है, सो बड़े फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा यहाँ पर, और टाइम से भी हमें पहुँचना है क्योंकि वापसी में अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में ट्रैकिंग करना और मुश्किल हो जाएगा। ये सामने से हमारे भाई लोग आ गए हैं, इन्होंने हमें रुकने का इशारा किया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हैं? लेट हो जाएगा, नाइट हो जाएगी। हाँ तो इसलिए थोड़ा फास्ट चलो, नॉन स्टॉप
स्टीप रास्ते हैं, बिल्कुल एक पैर का रास्ता है। हाँ तो इसलिए कह रहा हूँ फास्ट चलो, फटाफट फास्ट चलो, 2 घंटे लगेंगे नहीं पहुँचने में। हाँ हाँ फास्ट चलो, तेज चलो, ये बोल रहा हूँ। नहीं नहीं चलो 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 फास्ट चलो, क्योंकि रास्ता टफ है और एक साथ चारों को चलना पड़ेगा वापसी में, वापसी में ज़्यादा टाइम लगेगा और टाइम से पहुँच के खाना भी खाना हमने। हमारे साथ के दो लवण्या और अंकुर वो थक गए और वो वापस चले गए हैं, लेकिन हमारे जेडी द स्ट्रॉलर जगदीश सिंह दसनोई वो आ रहे हैं बिल्कुल जोरों शोर से, वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कम ऑन जेडी। रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये देख सकते हो नदी मेरे बिल्कुल साथ साथ बह रही है, कितना तेज़ बहाव है और शोर भी बहुत ज़्यादा तेज़ है इस नदी का, हालत ख़राब हो रही है इस रास्ते में। पता नहीं ये ट्रैक आज कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, कोशिश तो पूरी रहेगी कि ट्रैक को आज कंप्लीट करें। चलो देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। सो इसी के साथ गाइस हमें नज़र आ गया वो ब्रिज जहाँ से हमने इस सराप रिवर को क्रॉस करना है, वो है सामने वो ब्रिज। काफ़ी थक गए हैं, सांस भी फूल रहा है। गाइस देख रहे हो कितनी स्टीप उतराई है ये, कितना बचा बचा के यहाँ पे चलना पड़ रहा है। एक बार आपको दिखाते हैं ये रास्ता कितना डेंजरस है, वो देखो वहाँ से आए कितना डेंजरस रास्ता स्टीप उतराई है और ये आगे देखो कैसे जा रहा है। टफ ट्रैक है लेकिन अब हिम्मत जाग गई है तो इसको जरूर पार करेंगे। चलते जाइए हमारी वीडियो के साथ, आपको दिखाते हैं बिल्कुल नज़दीक से फुकतर गोम्पा। ये आ गया वो ब्रिज सामने, इसको हम क्रॉस करेंगे और इस ब्रिज से वो सामने वाले रास्ता है वो जाएगा उस तरफ फुकतर गोम्पा की तरफ। इसी के साथ फाइनली मैं पहुंच चुका हूं उस ब्रिज के ऊपर जिसकी मैं बात कर रहा था, यही है वो ब्रिज और अब मैं जाने वाला हूं इस ब्रिज के ऊपर और इस ब्रिज से फुकतर गोम्पा का वो सामने गेट दिखाई दे रहा है, हमें वहीं जाना है और वहां से सामने ही आपको मोनेस्ट्री दिखाई दे देगी, फर्स्ट व्यू ऑफ फुकतर गोम्पा। तो चलते हैं फिर आगे। Thank you.
आगे का ट्रैक स्टार्ट हो गया है उस ब्रिज से। ये देखिए ऊपर से बर्फ़ का पिघला हुआ पानी आ रहा है, ये देखो, और ये कैसे जा रहा है। ये बना हुआ है छोटा सा ब्रिज जिसे मैं अब क्रॉस करने लगा हूँ। देख रहे हो रास्ता गाइस कितना टफ है। ओहो हो, कैसे पत्थरों को जोड़ जोड़ कर बनाया गया रास्ता ये। ओहो काफ़ी मुश्किल हो रहा है चढ़ना। आगे तो वापसी भी करनी है। अभी तो हमारे दो साथियों ने तो ऑलरेडी हाथ खड़े कर दिए। और ये वो ओल्ड ब्रिज जो कि अब ख़राब हो गया है। पहले इस ओल्ड ब्रिज से लोग आते थे फुक्तर गोम्पा की तरफ, और वो सामने है फुक्तर गोम्पा का गेट, वहीं हमने जाना है। झूले झूले उस मैं हूँ हिमाचल का वैसे रहने वाला, आज आए हैं गोन मनोरंजन से। हाँ जी, इस गेट से अब कितना रह गया है? जो गेट दिखेगा वही गेट आएगा, उससे कितना रह गया? साथ में ही है, 10 मिनट का रास्ता होगा। ओके ठीक है, बोले प्लेन है या चढ़ाई है? और चढ़ाई है ऊपर का है ना। अच्छा चलो ठीक ठीक, झूले झूले। इसी के साथ हमें बिल्कुल नज़दीक से फुक्तर गोम्पा का गेट दिखाई दे गया है, आपको दिखाता हूँ मैं। वो है सामने गेट, थोड़ा ही रास्ता रह गया गेट का, उसके आगे 10 से 15 मिनट का रास्ता और है, और वहाँ से हम सीधा पहुँच जाएंगे फुक्तर गोम्पा। गोम्पा के अंदर फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो जितना मैक्सिमम व्यू हो पाएगा वो आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। तो बने रहे मेरी इस वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और हाँ चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो चलते हैं फुक्तर गोम्पा की तरफ। इसी के साथ मैं पहुंच गया फुक्तर गोम्पा के गेट के ऊपर। यही है वो गेट जिससे मुझे एंट्री लेनी है, और उसके बाद आगे की तरफ अपनी जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे। यहां से इस गेट से पहली झलक मोहनसी की अगर आप देखना चाहते हो तो मैं अब दिखाता हूँ आपको, वो है सामने फुक्तर गोम्पा जहाँ पे हमें जाना है। गाइस बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं हम इस टाइम फुक्तर गोम्पा के, और यहाँ से हमें 3 या 4 मिनट का समय लगेगा फुक्तर गोम्पा तक पहुँचने में। और यहाँ का व्यू देखिए कितना प्यारा है। देखिए बीच में से शार्प रिवर बहती हुई आ रही है, कितना शोर है इस रिवर का, और व्यू देखो सामने कितना प्यारा नज़र आ रहा है, ये देखिए। वाह, बेशक इतना थक गए हैं लेकिन एक बहुत खुशी है कि हमने अपना ट्रैक पूरा कर लिया है। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं फुक्तर गोम्पा के गेट के ऊपर, और इसी के साथ मैं जाने वाला हूं फुक्तर गोम्पा के अंदर। ये फुक्तर गोम्पा की एंट्री पॉइंट जहां से मुझे जाना है। देखो कैसे पत्थरों को जोड़ जोड़ कर बनाया गया है, ऊपर कैसे लकड़ियाँ रखी गई हैं,
विंटर्स के सीजन में तो यहाँ पूरी पूरी बर्फ जम जाती होगी। काफ़ी टफ ये स्टेयर्स हैं, देख सकते हो आप, सीधी स्टीप हैं, काफ़ी मुश्किल है ये ट्रैक। ये है रास्ता जाने के लिए। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं उत्तर गोम्पा में, और मेरे पीछे देख सकते हो यही है वो फेमस उत्तर गोम्पा जिसकी मैं बात कर रहा था। गोम्पा के अंदर कैमरा और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं आपको अंदर का व्यू बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। सो मिलते हैं आपको मॉन्स्ट्री के विजिट करने के बाद। सो गाइस, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बता दिया था, गोम्पा के अंदर वीडियोग्राफी और कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैं अंदर का व्यू आपको नहीं दिखा सका। अंदर के दर्शन मैंने कर लिए हैं, और जैसा कि अंदर हमें बताया गया, ये मॉनेस्ट्री 2000 साल पुरानी है, और ये सारी की सारी एक केव के अंदर बनी हुई है, और ये जो स्ट्रक्चर है जो केव के अंदर बना हुआ है ये 2000 साल पुराना ही है, और ये जो बाकी स्ट्रक्चर आप मेरे पीछे देख सकते हो ये सारा स्ट्रक्चर बाद में बनाया गया है। सो आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, और इसी के साथ मैं काफ़ी थक गया हूँ, तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लाता रहूँ। आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।